हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो डाला था कुछ समय पहले अपने रिजल्ट का, तो बहुत सारी मेरे पास कमेंट आई थी कि भाई एग्जिस्टिंग हेयर के लिए क्या करें। हमने हेयर ट्रांसप्लांट तो करा लिया, मतलब जिस जगह से हम बाल्ड हो गए थे, जिस एरिया में हमने ट्रांसप्लांट कराया वो एरिया तो काफ़ी अच्छा हो गया, पर हमको जो बाल्डनेस कंटिन्यू थी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आज है मेरे साथ डॉक्टर अंकित जैन। आज हमको सर बताएंगे कि एग्जिस्टिंग हेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, वो सब हमको डिटेल में बताएंगे। और आज मेरी 7वीं PRP है, तो उसके बारे में भी जो है सर हमको बताएंगे। तो इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखना, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि आप एग्जिस्टिंग हेयर की केयर कैसे कर सकते हैं। तो हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि एग्जिस्टिंग हेयर को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सिर्फ दो मेडिसिन हैं जो कि हेयर के लिए अप्रूव्ड हुई हैं, जिसमें एक मिनोक्सिडिल है और एक फिनेस्ट्राइड है। सो यूजुअली एग्जिस्टिंग हेयर के लिए या पैटर्न बाल्डनेस में हम इनको ही यूज़ करते हैं। मिनोक्सिडिल एप्लीकेशन के लिए होता है और फिनेस्ट्राइड ओरली लेने के लिए होती है टैबलेट। फिनेस्ट्राइड DHT ब्लॉकर है और मिनोक्सिडिल हमारे हेयर को स्टिमुलेट करती है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है और मिनिएचराइजेशन प्रोसेस को कम करती है। तो अभी हम इसके अलावा एक और जो प्रोसीजर होता है जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं, वो भी एग्जिस्टिंग हेयर की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इवन अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं कराया है, आपके एग्जिस्टिंग हेयर और ट्रांसप्लांटेड हेयर दोनों को ही ये अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करता है और उनको बेहतर तरीके से ग्रो करने में मदद करता है। हेयर की थिकनेस, डेंसिटी और हेयर का वॉल्यूम ये बढ़ाने में मदद करता है। PRP से कोई नई रूट्स तो नहीं आती हैं, लेकिन डेफिनेटली ये आपके एग्जिस्टिंग रूट्स को काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। तो आज हम इनकी PRP करने भी जा रहे हैं, साथ के साथ हम और डिस्कस करेंगे कि एग्जिस्टिंग हेयर के लिए और क्या क्या हम सावधानियां ले सकते हैं या क्या क्या मेडिसिन ले सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग हेयर की केयर के लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होता है कि एग्जिस्टिंग हेयर जो है वो किस कारण से झड़ रहा है। तो एग्जिस्टिंग हेयर कई बार कुछ सीवियर बीमारी या कोई हाई ग्रेड फीवर या कोई ट्रॉमा या कोई स्ट्रेस, इन सब के कारण भी गिरता है, जिसको हम टेलोजन इफ्लुवियम कहते हैं। तो उनको भी हमें ध्यान में देना है ना। उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी सारी मेडिसिन होती हैं, या PRP उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद बायोटीन है, ये हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये चीज़ें हम एग्जिस्टिंग हेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई कॉज हमें समझ में आता है, जैसे डेंड्रफ है या फॉलिकुलाइटिस है या कोई और कॉज है जो कि हमें लगता है कि एग्जिस्टिंग हेयर को डिस्टर्ब कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो उसको क्योर करना ज़रूरी है। उसके अलावा हम कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और दे सकते हैं, जैसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड दे सकते हैं, या हम साइक्लिकल थेरेपी दे सकते हैं जिसमें हम विटामिन D, विटामिन A और बायोटीन और कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट, इन सबको साइक्लिकल तौर पे भी देते हैं। हमें ये भी देखना ज़रूरी होता है कि हमारी कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन एबनॉर्मल तो नहीं है, जैसे खून की कमी होना या आयरन लेवल कम होना, फेरिटिन लेवल, कैल्शियम लेवल कम होना, विटामिन D लेवल कम होना, तो हमें उनको सप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एग्जिस्टिंग हेयर की केयर होती है। एक अच्छा एंटी डेंड्रफ शैम्पू, अगर हमारे सिर में डेंड्रफ वगैरह हो रहा है तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके साथ जो अभी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं PRP, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। ये काफ़ी हेल्पफुल ट्रीटमेंट है एग्जिस्टिंग हेयर की केयर के लिए। ये इसमें हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं, जिसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स आपकी बालों की जड़ों को डायरेक्ट सप्लाई हो जाते हैं थ्रू द इंजेक्शंस, और ये वहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग हेयर को बहुत ज़्यादा नरिश करने का काम करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आप डेफिनेटली, अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपके लिए रिकमेंडेड है। और डाइट वगैरह के बारे में कुछ बता पाएंगे? यस, डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। डाइट में जैसे कि हमें पता है कि हेल्दी डाइट पूरी बॉडी को हेल्दी रखने में काम करती है, तो ये बालों के लिए भी उतना ही ट्रू है। सो हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी चाहिए, हमें प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए, हमें जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हम
कुछ ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रीन टी वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं, और कुछ आयरन रिच फूड भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें डाइट के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। अगर हम बहुत अच्छी डाइट लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे हेयर भी काफ़ी हेल्दी होते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी पीआरपी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, हेयर पीआरपी। सर ने बहुत अच्छे से बताया कि एग्जिस्टिंग हेयर की केयर कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें बताई जो मुझे भी आज तक नहीं पता थी। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी नॉलेज आपको मिली होगी। तो ये सब चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मिनोक्सिडिल फिनास्टीरेट वगैरह किस तरह से लेना है, एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे काफ़ी बेटर रहेगा, है ना? और आप दिखाओ। और सर, पीआरपी का कोई टाइम ड्यूरेशन होता है, कितने कितने समय पे लेना है, कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? ये थोड़ा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर किसी के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो वो थोड़ा फ्रिक्वेंट ले सकते हैं, मंथली भी ले सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं है, थोड़ा एवरेज होता है, तो वो 2-3 महीने के गैप से भी ले सकते हैं। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम रिकमेंड करते हैं थोड़ा 3-4 पीआरपी 6 मंथ में लेनी होती है। उसके बाद हम इसके ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं, 2-3 महीने में एक बार पीआरपी करते हैं। फिर अगर काफ़ी अच्छा मेंटेन चल रहा है तो हम साल में 1-2 पीआरपी भी ले सकते हैं। तो पीआरपी का ड्यूरेशन कुछ फिक्स नहीं होता है, अपने बॉडी के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। और जैसे कि सर ने हमको बहुत सारी चीज़ें बताई है, और आप में इसमें से कमेंट आ ही जाएगी कि सर भाई हमको अंकित सर से ही कंसल्ट करना है या फिर कुछ इस तरह का है, तो अभी तो वैसे आज मूव नहीं कर सकते अगर भोपाल से है सर, तो अगर कोई दूर भी रहता है तो ऑनलाइन कंसल्ट आप कर सकते हैं। नंबर क्लिनिक का मैं दे दूंगा सर, ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं सर से आप, और आपको अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है और बाकी किसी तरह का कोई सवाल है आपके मन में, कोई ऐसा डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी तरह के हेयर रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू।